हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर्स फॉलोअर्स इंक्लूडिंग गैंट, गिलब्रेट्स, एमर्सन एंड कुक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अपनी पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू टेलर, जो कि फोकस करती थी एफिशिएंसी पर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके फॉलोअर्स को। उनके बाद के थिंकर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंटिफिक थ्योरी को, ये हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एच एल गैंट से। हेनरी एल गैंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था गैंट चार्ट। इट वॉज अ चार्ट दैट केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ओवर द टाइम एंड इलस्ट्रेटेड द वर्क एक्टिविटी स्केड्यूल एज वेल। देखिए, टाइम के साथ साथ या समय के साथ साथ कार्य की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, ये चार्ट उसका रिकॉर्ड रखता था और इस चार्ट में पूरा वर्क एंड एक्टिविटी स्केड्यूल भी मेंशन होता था। इस चार्ट को डेवलप किया गया था अराउंड 1910 टू 1915। हिज नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इम्प्रूवमेंट ऑफ टास्क एंड बोनस सिस्टम। अ वर्कर वॉज गिवन अ बोनस व्हेन दे रीच्ड द स्टैंडर्ड। जब एक वर्कर सेट किए गए स्टैंडर्ड जितना प्रोडक्शन करता था तो उसे बोनस मिलता था। फिर आता है फोकस ऑन हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री। द ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप सर्टेन हैबिट्स ऑफ डूइंग थिंग्स, द मैनेजमेंट शुड सेट अप गुड हैबिट्स इन द इनिशियल स्टेजेस। एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ साथ कुछ काम करने की हैबिट्स को डेवलप करता है, तो अकॉर्डिंग टू गैंट ये मैनेजमेंट का काम होना चाहिए कि जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही सेट कर दे ताकि उनको टाइम से डेवलप किया जा सके। अब डिस्कस कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ गिलब्रेट्स, जो कि थे फ्रैंक गिलब्रेट एंड लिलियन गिलब्रेट, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन था फ्लो प्रोसेस चार्ट। इट वाज इन्वेंटेड टू हेल्प इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी स्टेप्स इन एन ऑपरेशन एंड आल्सो नोन एज स्पीड वर्क। इसका पर्पस था ऑर्गेनाइजेशन में जो अनावश्यक डिले हो रहा है उसको दूर करना। देखिए, फ्लो प्रोसेस चार्ट का पर्पस था ऑर्गेनाइजेशन में जो अनावश्यक डिले हो रहा है उसको दूर करना, और इसीलिए इसको स्पीड वर्क भी कहा जाता था। और फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या होता था कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको ग्राफ्स एंड सिंबल्स के थ्रू, यानी कि चिन्हों के थ्रू डिपिक्ट या रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर आता है थर्ब्लिक्स। थर्ब्लिक्स क्या था? देखिए, गिलब्रेट को अगर आप बैकवर्ड स्पेल करेंगे तो वो थर्ब्लिक्स बन जाता है। सो दीज वर 18 काइंड्स ऑफ एलिमेंटल मोशंस और जेस्टर्स यूज्ड इन अ वर्कप्लेस बाय वर्कर्स व्हाइल परफॉर्मिंग मैनुअल ऑपरेशन और टास्क। ये 18 तरीके के जेस्टर्स थे। जेस्टर्स होते हैं इशारे। ये ऐसे इशारे थे जो कि वर्कप्लेस में यूज किए जाते थे वर्कर्स द्वारा, और इन इशारों के यूज करने से समय बचता था और वर्क में डिले होने से बचता था। और इसका एग्जाम्पल है जैसे रेस्ट करने का भी एक इशारा था, फिर सर्च करने का भी एक अलग इशारा था, और मूव करने का भी एक अलग जेस्चर का इशारा था। तो ये थे थर्ब्लिक्स एंड दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिलब्रेट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैरिंगटन इमर्सन। हैरिंगटन इमर्सन ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया था, और उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी दिए थे इन हिज वर्क द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, जो कि पब्लिश किया गया था 1912 में। इमर्सन भी एफिशिएंसी को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानते थे एक ऑर्गेनाइजेशन का। उनका मानना था कि अगर ये 12 प्रिंसिपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बन सकती है। तो पहला प्रिंसिपल था क्लियरली डिफाइंड आइडियल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइंड आइडियल्स होने चाहिए जो कि इम्प्लॉयज को गाइड कर सके, और अगर क्लियरली डिफाइंड आइडियल्स होंगे तो गलती करने का स्कोप बहुत ही कम रह जाता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड प्रिंसिपल विज कॉमन सेंस। ऐसे इंप्लॉयज का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिनके पास कॉमन सेंस हो। थर्ड प्रिंसिपल विज कॉम्पिटेंट काउंसिल। कंपनी शुड अपॉइंट स्पेशलिस्ट टू डेवलप एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज को ऐसे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाना चाहिए जो एक्सपर्ट्स हों ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाने के।
क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर सकते हैं एफिशिएंट बनाने में। नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो किया जाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी के लिए। द फिफ्थ प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय इमर्सन विज द फेयर डील। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फेयर वाइल डीलिंग। ऑर्गेनाइजेशन को डील करते समय फेयर होना चाहिए, उनको एक उचित व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज रिलायबल इमीडिएट एंड एडिक्वेट रिकॉर्ड्स, व्हिच मीन्स दैट द रिकॉर्ड्स शुड बी रिलायबल फॉर एफिशिएंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाना चाहिए और वो रिकॉर्ड्स रिलायबल हो, इमीडिएटली अवेलेबल भी हो और एडिक्वेट भी हो। उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल हो, वो इमीडिएटली अवेलेबल हो और वो रिकॉर्ड्स पर्याप्त हो। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आती है। द सेवेंथ प्रिंसिपल वाज डिस्पैचिंग। व्हाट इज टू बी डन एट ईच मशीन शुड बी डिसाइडेड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू द वर्कमैन। हर मशीन के साथ क्या किया जाना चाहिए ये डिसाइड किया जाना चाहिए बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू द वर्कमैन ऑल्सो। इम्प्लॉय को या वर्कमैन को भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि उन्हें किस मशीन पर क्या कार्य करना है। अगला प्रिंसिपल जो इमर्सन ने सजेस्ट किया था वो था स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ प्लान शेड्यूल एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग एवरी एक्टिविटी। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्लान शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए एक्टिविटीज का कि कब वो एक्टिविटी की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए और कितने टाइम में की जानी चाहिए। एंड देयर शुड बी स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग एवरी एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए कि वो एक्टिविटी कितने टाइम में हमें कंप्लीट करनी है। ये बहुत ही जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि तभी एक कार्य विद इन टाइम कंप्लीट हो सकता है। देन केम स्टैंडर्ड कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड फैसिलिटीज सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव। ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, एक अच्छे स्टैंडर्ड की एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए और फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वर्कमैन्स एंड एम्प्लॉयज अच्छे से कार्य कर सके और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। द टेंथ प्रिंसिपल विज स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक मूवमेंट्स ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, द मोशंस ऑफ ऑपरेटर्स, द ट्रांसपोर्ट एंड द हैंडलिंग ऑफ मटीरियल्स ऑल शुड बी प्लान। ऑपरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, चाहे वो मशीन के कंपोनेंट्स की मूवमेंट हो या ऑपरेटर्स के जेस्चर्स या इशारे या मटेरियल्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये सब प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए। इससे सारा काम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हो सकेगा। अनदर प्रिंसिपल वाज रिटन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शंस या जो सूचना है वो रिटन होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए एंड प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। हर वर्कर को प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। द लास्ट प्रिंसिपल वाज एफिशिएंसी रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉयज इफ एफिशिएंसी गोज अप। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है तो एम्प्लॉयज को एफिशिएंसी रिवॉर्ड्स देने चाहिए। सो ये थे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी बाय हैरिंगटन इमर्सन, जो कि हैरिंगटन इमर्सन का कंट्रीब्यूशन था टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। मॉरिस कूक ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उनका मानना था दैट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, दोज प्रिंसिपल्स हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं। सो दे शुड बी अप्लाई टू गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल फील्ड। मॉरिस कुक का मानना था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको गवर्नमेंटल सेक्टर में भी और एजुकेशनल फील्ड में भी अप्लाई कर देना चाहिए। वाई? क्योंकि उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, वो यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं। सो वाई नॉट अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल फील्ड, ताकि उन सेक्टर्स में भी एफिशिएंसी आ सके। सो ये था टेलर के फॉलोअर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी को कंट्रीब्यूशन। ये बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि टेलर के बाद भी कई थिंकर्स ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही।
प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों एंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।